मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। की जननी कही जाने वाली काशी की झीली में पांच पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की घोषणा भारत सरकार ने की है। मिथिला समाज काशी ने इन विभूतियों का सम्मान किया। पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित भारतीय जीवन पद्धति व योग से जीवन के साक्षात्कार 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद व बनारस घराने के छात्र सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी का सम्मान किया गया। गृह मंत्रालय ने साहित्य के क्षेत्र में गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक रहे राधे श्याम प्रियंका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मिथिला समाज काशी ने स्वर्गीय राधे श्याम प्रियंका के पौत्र अखिलेश प्रियंका को उनका सम्मान सौंपा। बाबा शिवानंद अपने बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग साक्षात्कारों से उनके व्यक्तित्व से कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। कहा जाता है कि आप योग और दिनचर्या के बारे में कहा जाता है कि आप ब्रह्म वेला में उतने ही के साथ आप एक घंटा योग की भाव में दर्शन के पद को सुशोभित आप कर चुके हैं। 8 वर्ष की अवस्था में भारतीय गायन एवं सितार की शिक्षा आपने अपने चाचा पूर्णी सम्राट स्वर्गीय पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से प्राप्त किया। आपने निर्माण विभाग वाराणसी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर आप मंच पर आए, मिथिला अध्यक्ष रहे, आप संस्थान में प्रभारी के तौर पर डीन की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आप 2008 से 2009 तक इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, इसके अलावा 2009 से 11 तक यूपी डायबिटीज आदरणीय राधेश्याम खेमका जी के नेतृत्व में 72 करोड़ से ज्यादा की पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या 15। इसके साथ ही न्याय शास्त्र के विद्वान और ज्ञानदान के दधीची कहे जाने वाले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद मिथिला समाज काशी ने इनका भी सम्मान किया। कैस्टिलो ग्रीन लॉन में आयोजित सम्मान समारोह की शुरुआत बटुको ने मंगलाचरण से किया। इसके पश्चात समारोह के सम्मानित विभूतियों को दीपशिखा प्रज्वलित करके सम्मान समारोह की नींव रखी गई। मिथिला समाज काशी के अध्यक्ष राजीव झा, कार्यक्रम संयोजक कन्हैया झा और संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाले विभूतियों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पद्म अलंकरण प्राप्त विभूतियों ने अपने संबोधन में मिथिला समाज काशी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सम्मान समारोह में उद्गार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने कहा कि मालवीय जी की कृपा है कि हम सभी इस परंपरा से जुड़े हैं। मुझे लगता था कि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, मगर कला के चलते मुझे इस तरह का सम्मान मिला, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूं। सब उसी परंपरा के लोग हैं और ये कृपा है मालवीय जी महाराज की, जिन्होंने हमें इस योग में समझा। हम सब बड़े साधारण लोग थे। मैं आज अपना क्रम देख रहा था पूरे इस पद्म पुरस्कार वालों में और मुझे लगा कि सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं ही हूँ। इतने अकिंचन व्यक्ति के ऊपर हमारे रोगियों और हमारे अधिकांशतः रोगी, जैसे आप भी वर्णन कर रहे थे, सब ये पश्चिमी बिहार के हैं, मिथिला के हैं, दक्षिणांचल के हैं, उत्तर मध्य प्रदेश के हैं, इन सबकी कृपा है। इन सबकी कृपा से हमें, मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को यह अवसर मिला कि हम आपके बीच आ सकें और ईश्वर की कृपा हुई, उसकी वजह से हम चिकित्सक बने। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे माता पिता का सौभाग्य, महामना मालवीय जी का भाग्य जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमारे गुरु, आपने देखा नहीं होगा, प्रोफेसर डॉक्टर उडुपा, वो भी ऐसे ही चिकित्सक थे। सुबह 7:30 बजे से लेकर प्रोफेसर उडुपा चिकित्सालय आते थे और रात के 10:30 बजे तक रहते थे। शायद ऐसा कोई चिकित्सक इस पृथ्वी पर अब जन्म लेगा। वहीं अपने संबोधन में सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र ने कहा कि मैं मिथिला समाज और संस्था के अध्यक्ष राजीव झा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और यह काशी का सम्मान है, पूरे भारत का सम्मान है। मैं लगभग 64-65 सालों से सितार का वादन कर रहा हूँ। आज यह सम्मान प्राप्त कर हमारी साधना पूर्ण हुई और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक सांस है, जब तक आस रहेगा, तब तक मैं संगीत को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा सम्मान नहीं है, यह पूरा काशी वासी का सम्मान है, भारत का सम्मान है, हमारे कलाकारों का सम्मान है। आज करीब 64-65 साल हो गया हमको सितार बजाते,
आज हमारी साधना पूर्ण हुई और हमारे भीतर बहुत प्रसन्नता है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे